हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशांत। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे यहां पर मैप को क्रिएट करना। अब देखिए, मैप को बनाने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग जो डेटा को जो इंपोर्ट करते हैं या इनपुट देते हैं, जब हम लोग डेटा को जो है हैंड ओवर लेते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि हम लोग के पास जो डेटा है वो क्लीन होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो डैशबोर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे एंड टू एंड प्रोजेक्ट के अंदर, और आज हम लोग जो सीखेंगे मैप के जो फंक्शंस है, उससे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो है कंप्लीट, जब आपके पास एक क्लीन डेटा होता है उस डेटा को यहाँ इम्पोर्ट करने के लिए इजी फंक्शन देता है, जिसको आज हम लोग सीखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई एसक्यूएल डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई डेटाबेस को यहाँ पे बनाया है, और इस डेटाबेस के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है मैं कॉन्टिनेंट की बात करूंगा। ठीक है, मैं जो टेबल जो क्रिएट करूंगा डेटाबेस में एसक्यूएल के अंदर, तो जो मेरे पास यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट जो है वो बनाऊंगा मैं। आप कॉन्टिनेंट समझ सकते हो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे एक और होता है अंटार्कटिका। तो इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, इन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है मैं जो है कंट्री क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट की भी हम लोग बात करें तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले कंट्री क्रिएट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ एशिया का। एशिया के अंदर आप लोग को यहाँ दिख रहा है ये जो है आपका इंडिया है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर इंडिया है, तो एक कंट्री हो गई। अब इस कंट्री के अंदर होगा हमारा स्टेट, और इस स्टेट के अंदर होगा हमारा सिटी। ठीक है, और सिटी के साथ साथ बनेगा हमारा हर एक सिटी का एक एरिया पिन कोड। ठीक है, एरिया पिन कोड। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना होगा। और जब आप एक डेटाबेस को सिस्टमेटिक फॉर्मेट में क्रिएट नहीं करेंगे तो एक डेटाबेस को क्लीन और रॉ करना होगा, और उसके बाद ही आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे एक मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक कंप्लीट एशिया का सेक्शन। इस एशिया के सेक्शन के अंदर आपको इंडिया भी दिखेगा, चाइना भी दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा स्टेट और सिटी को। और उससे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि जब भी आप किसी मैप को यहाँ पर आप इंपोर्ट करते हो, तो आपका जो डेटा है वो क्लीन होना चाहिए और डेटा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में होना चाहिए। जब हम लोग एसक्यूएल करेंगे तब इसको हम लोग सीखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 6, उसमें आज हम लोग सीखेंगे 6.1, जिसमें मैं आप लोगों को आज के सेक्शन में बताऊंगा इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग की यूनिट नंबर 6 के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि जब तक आपके पास एक क्लीन डेटा नहीं होगा, तब तक आप मैप के विजुअलाइजेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पे शो नहीं कर पाओगे। तो आपको क्लीन डेटा कहाँ मिलेगा, मैंने बता दिया है कि आपको ये क्लीन डेटा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और अभी आपने पहली यूनिट नहीं देखी तो पहली यूनिट देख लीजिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया कि डेटा को कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 6 को और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 के अंदर हम लोग 6.2 लेक्चर से सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं एक बेसिक मैप को, और यहाँ पे बेसिक मैप के बाद हम लोग चलेंगे 6.3 पे, जिसमें हम लोग सीखेंगे फील्ड मैप क्या होता है। फील्ड मैप और बेसिक मैप में जो डिफरेंस होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट की जगह जो है कंप्लीट फील्ड फॉर्मेट में, इसे हम लोग बनाएंगे 6.3 में। 6.4 में हम लोग सीखेंगे कि मैप को कैसे हम लोग पाई चार्ट के साथ क्रिएट करते हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद 6.5 में हम लोग स्लाइजर को मैप के साथ बनाएंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट एक मैप ऑफ इंडिया को देखेंगे कि कैसे हम लोग फिल्टर करके कंप्लीट कॉन्टिनेंट में से एक मैप ऑफ इंडिया को यहाँ पे बनाकर देखेंगे और स्लाइजर के यूजर्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग 6.6 में चलेंगे, जिसमें हम लोग फॉर्मेटिंग देखेंगे, मैप के कैसे फंक्शंस को और फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। 6.7 में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड ऑफ मैप जो है क्रिएट कर सकते हैं और स्टाइल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद डोनर चार्ट के साथ 6.8 में हम लोग इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट को बनाकर देखेंगे। सो इस तरह से हम लोग यूनिट नंबर 6 के अंदर कंप्लीट सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग ये क्रिएट करते हैं मैप को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट को नेक्स्ट लेक्चर से 6.2 से, और क्रिएट करते हैं हमारे सबसे पहले एक बेसिक से मैप को। और यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने प्रीवियस यूनिट नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, जो आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, और भी अपडेट जो होगी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 6 को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.2 लेक्चर को। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।